फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। कैसे आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 80-20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 5 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी बरसपरा स्टेडियम गुवाहाटी असम इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वही पहली टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही, तो वही 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो जहां पे 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही, तो वही 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग दोनों इक्वली परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैचेज में, तो जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स 6 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पंजाब किंग्स 4 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते फैन ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का 50% देखने को मिल रहा है, तो वहीं पंजाब किंग्स का भी 50% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का 167 है, तो वहीं पंजाब किंग्स का 162 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का 203 है, तो वहीं पंजाब किंग्स का 209 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का 130 है, तो वहीं पंजाब किंग्स का 115 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे तो दोनों का लगभग इक्वली कंपेरिजन देखने को मिल रही है। तो चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसे रहेगी, तो मौसम पूरी तरह क्लियर रहने वाली हुई। अगर सेल्सियस की बात करें तो 27.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 83% रहेंगे, वहीं 13% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है, तो इस पिच पर अभी तक एक भी मैच खेला नहीं गया है, तो यह IPL का फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा इस पिच पर। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मैच होगा इस पिच पर। अगर T20 अगर स्टैटिक्स देखें इस पिच पे, तो इस पर अभी तक टोटल 2 मैच खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग भी जीती है और सेकंड बैटिंग भी जीती है। इस पिच का अगर एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग में, तो मे भी 170 रन मे भी लग सकती है। तो काफ़ी अच्छी पिच है, काफ़ी अच्छे मैच इस पिच पे हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पिछली मैच की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ मैच जीत के आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी टीम पंजाब किंग्स की बात करें, तो पंजाब किंग्स अपना पहला मैच खेलने वाली है जो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट रहेगी। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम राजस्थान रॉयल्स के की प्लेयर की बात करें तो जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ट्रेंट बोल्ट। वहीं दूसरी टीम अगर पंजाब किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो शिखर धवन, शाहरुख खान, सिकंदर राजा, अर्शदीप सिंह। तो ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान रॉयल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।